एक बार हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत आखेट खेलने वन में गए। जिस वन में वे शिकार के लिए गए थे उसी वन में कण्व ऋषि का आश्रम था। कण्व ऋषि के दर्शन करने के लिए महाराज दुष्यंत उनके आश्रम पहुंच गए। पुकार लगाने पर एक अति लावण्यमयी कन्या ने आश्रम से निकलकर कहा, हे राजन, महर्षि तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं किंतु आपका इस आश्रम में स्वागत है। उस कन्या को देखकर महाराज दुष्यंत ने पूछा, बालिके आप कौन हैं? बालिका ने कहा, मेरा नाम शकुंतला है और मैं कण्व ऋषि की पुत्री हूँ। उस कन्या की बात सुनकर महाराज दुष्यंत आश्चर्यचकित होकर बोले, महर्षि तो आजन ब्रह्मचारी हैं, फिर आप उनकी पुत्री कैसे ही? उनके इस प्रश्न के उत्तर में शकुंतला ने कहा, वास्तव में मेरे माता पिता मेनका और विश्वामित्र हैं। मेरी माता ने मेरे जन्म होते ही मुझे वन में छोड़ दिया था, जहाँ पर शकुंत नामक पक्षी ने मेरी रक्षा की, इसीलिए मेरा नाम शकुंतला पड़ा। उसके बाद कण्व ऋषि की दृष्टि मुझ पर पड़ी और वे मुझे अपने आश्रम में ले आए। उन्होंने ही मेरा भरण पोषण किया। जन्म देने वाला, पोषण करने वाला तथा अन्न देने वाला, ये तीनों ही पिता कहे जाते हैं। इस प्रकार कण्व ऋषि मेरे पिता हुए। शकुंतला के वचनों को सुनकर महाराज दुष्यंत ने कहा, शकुंतले, तुम क्षत्रिय कन्या हो, तुम्हारे सौंदर्य को देखकर मैं अपना हृदय तुम्हें अर्पित कर चुका हूँ। यदि तुम्हें किसी प्रकार की आपत्ति न हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। शकुंतला भी महाराज दुष्यंत पर मोहित हो चुकी थी, अतः उसने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ काल महाराज दुष्यंत ने शकुंतला के साथ विहार करते हुए वन में ही व्यतीत किया। फिर एक दिन वे शकुंतला से बोले, प्रियतमे, मुझे अब अपना राजकार्य देखने के लिए हस्तिनापुर प्रस्थान करना होगा। महर्षि कण्व की तीर्थ यात्रा से लौट आने पर मैं तुम्हें यहाँ से विदा करा कर अपने राजभवन में ले जाऊंगा। इतना कहकर महाराज ने शकुंतला को अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में अपनी स्वर्ण मुद्रिका दी और हस्तिनापुर चले गए। एक दिन उसके आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे। महाराज दुष्यंत के विरह में लीन होने के कारण शकुंतला को उनके आगमन का ज्ञान भी नहीं हुआ और उसने दुर्वासा ऋषि का यथोचित स्वागत सत्कार नहीं किया। दुर्वासा ऋषि ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर बोले, बालिके, मैं तुझे शाप देता हूँ कि जिस किसी के ध्यान में लीन होकर तूने मेरा निरादर किया है वह तुझे भूल जाएगा। दुर्वासा ऋषि के शाप को सुनकर शकुंतला का ध्यान टूटा और वह उनके चरणों में गिरकर क्षमा प्रार्थना करने लगी। शकुंतला की क्षमा प्रार्थना से द्रवित होकर दुर्वासा ऋषि ने कहा, अच्छा, यदि तेरे पास उसका कोई प्रेम चिन्ह होगा तो उस चिन्ह को देख, उसे तेरी स्मृति हो आएगी। महाराज दुष्यंत के सहवास से शकुंतला गर्भवती हो गई थी। कुछ काल पश्चात कण्व ऋषि तीर्थ यात्रा से लौटे, तब शकुंतला ने उन्हें महाराज दुष्यंत के साथ अपने गंधर्व विवाह के विषय में बताया। इस पर महर्षि कण्व ने कहा, पुत्री, विवाहित कन्या का पिता के घर में रहना उचित नहीं है। अब तेरे पति का घर ही तेरा घर है। इतना कहकर महर्षि ने शकुंतला को अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भिजवा दिया। मार्ग में एक सरोवर में आचमन करते समय महाराज दुष्यंत की दी हुई शकुंतला की अंगूठी, जो कि प्रेम चिन्ह थी, सरोवर में ही गिर गई। उस अंगूठी को एक मछली निगल गई। महाराज दुष्यंत के पास पहुंचकर कण्व ऋषि के शिष्यों ने शकुंतला को उनके सामने खड़ी करके कहा, महाराज, शकुंतला आपकी पत्नी है, आप इसे स्वीकार करें। महाराज तो दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण शकुंतला को विस्मृत कर चुके थे, अतः उन्होंने शकुंतला को स्वीकार नहीं किया और उस पर उल्टा होने का लांछन लगाने लगे। शकुंतला का अपमान होते ही आकाश में जोरों की बिजली कड़क उठी और सबके सामने उसकी माता मेनका उसे उठा ले गई। जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी को निगल लिया था, एक दिन वह एक मछुआरे के जाल में आ फंसी। जब मछुआरे ने उसे काटा तो उसके पेट अंगूठी निकली। मछुआरे ने उस अंगूठी को महाराज दुष्यंत के पास भेंट के रूप में भेज दिया। अंगूठी को देखते ही महाराज को शकुंतला का स्मरण हो आया और वे अपने कृत्य पर पश्चाताप करने लगे। महाराज ने शकुंतला को बहुत ढूंढवाया किंतु उसका पता नहीं चला। कुछ दिनों के बाद देवराज इंद्र के निमंत्रण पाकर देवासुर संग्राम में उनकी सहायता करने के लिए महाराज दुष्यंत इंद्र की नगरी अमरावती गए।
संग्राम में विजय प्राप्त करने के पश्चात जब वे आकाश मार्ग से हस्तिनापुर लौट रहे थे तो मार्ग में उन्हें कश्यप ऋषि का आश्रम दृष्टिगत हुआ। नके दर्शनों के लिए वे वहां रुक गए। आश्रम में एक सुंदर बालक एक भयंकर सिंह के साथ खेल रहा था। मेनका ने शकुंतला को कश्यप ऋषि के पास लाकर छोड़ा था तथा वह बालक शकुंतला का ही पुत्र था। उस बालक को देखकर महाराज के हृदय में प्रेम की भावना उमड़ पड़ी। वे उसे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े तो शकुंतला की सखी चिल्ला उठी, हे भद्र पुरुष, आप इस बालक को न छुए अन्यथा उसकी भुजा में बंधा काला डोरा सांप बनकर आपको डस लेगा। ये सुनकर भी दुष्यंत स्वयं को न रोक सके और बालक को अपने गोद में उठा लिया। अब सखी ने आश्चर्य से देखा कि बालक के भुजा में बंधा काला गंडा पृथ्वी पर गिर गया है। सखी को ज्ञात था कि बालक को जब कभी भी उसका पिता अपने गोद में लेगा वह काला डोरा पृथ्वी पर गिर जाएगा। सखी ने प्रसन्न होकर समस्त वृतांत शकुंतला को सुनाया। शकुंतला महाराज दुष्यंत के पास आई। महाराज ने शकुंतला को पहचान लिया। उन्होंने अपने कृत्य के लिए शकुंतला से क्षमा प्रार्थना किया और कश्यप ऋषि की आज्ञा लेकर उसे अपने पुत्र सहित अपने साथ हस्तिनापुर ले आए। महाराज दुष्यंत और शकुंतला के उस पुत्र का नाम भरत था। बाद में वे भरत महान प्रतापी सम्राट बने और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष हुआ।